हेलो एवरीवन, आज मैं आपको आलू की टिक्की बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए हमने पहले आलू को उबाला है, उसके बाद इसको इस तरह से छील लिया। छील के इसको कद्दूकस कर लेना है। इस तरह से कद्दूकस कर लेना। इस तरह से ब्रेड लें, ब्रेड को साइड से काट लें। इस तरह से ब्रेड की किनारियों को काट देना। ब्रेड को पानी में डिप करके इस तरह से निकाल देना। इसे आलू के अंदर डाल देना। अब इसमें अपने टेस्ट अनुसार नमक डालें, थोड़ी सी कटी हरी मिर्च, कटा हरा धनिया, सूखी मेथी, थोड़ा सा अनारदाना पाउडर, इसको इस तरह से अच्छी तरह से मैश कर देना है। आप इसमें ब्रेड की जगह अरारोट भी डाल सकते हैं, मैदा भी डाल सकते हैं। हल्का सा हाथों पे तेल लगा लो। ये हमारा आलू टिक्की का मिक्सचर तैयार है। अब इसे लेके अच्छी तरह से गोल कर लेना, इस तरह से। थोड़ा सा इसको प्रेस करना। अब गरम तवे के ऊपर तेल लगा लें। इसे हम डीप फ्राई भी कर सकते हैं, तवे पे भी बना सकते हैं। अब इसे थोड़ी देर हल्की आंच पे पकने दें। इसे बीच बीच में चेक करते रहें, एक तरफ ब्राउन होने पे इसे पलट दें इस तरह से। अब दूसरी साइड ब्राउन होने दें। दोनों तरफ से ब्राउन होने के बाद इसे उतार लें। ये हमारी गर्मा गर्म क्रिस्पी आलू की टिक्की तैयार है। इसे आप सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं।
प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।